पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरविल क्लब रोदाबाद मिड टाउन की दीपावली स्पेशल सभा लेडीज क्लब में संपन्न हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीति माहेश्वरी ने की और सचिव साधना के साथ सदस्यों ने कार्यक्रम में खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजिका पीडीसी रोहिणी कंसल रही। इस दौरान नौ देवी स्वरूपों में प्रीति, नीरू, रश्मि, शिखा ने अपनी प्रस्तुति दी, तो वहीं रामायण आधारित वेशभूषा में अनीता, रेणु गुप्ता, नीरू साधना, गीता, आरती, इन सभी के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर पोटली प्रतियोगिता में अंशु प्रथम रही, तो वहीं साधना द्वितीय रही। पकवान प्रतियोगिता में पूनम प्रथम स्थान पर रही, तो वहीं नीरू द्वितीय स्थान पर रही। इस अवसर पर समयबद्धता में डॉक्टर रीता और बंदरवार में आरती प्रथम रही, तो वहीं सरिता द्वितीय स्थान पर रही। पेपर गेम में पूनम अग्रवाल प्रथम स्थान पर रही। इस अवसर पर सुंदर कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जिसका सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आनंद लिया और सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पीडीसी रेणु, अनीता, रोहिणी, पूनम, आदर्श, प्रभा, सुधा, दया, अंजू, निशा के साथ और भी सदस्याएं उपस्थित रहीं। यहाँ मुरादाबाद मिड टाउन में दीपावली सभा का आयोजन हुआ है, जिसकी कन्वीनर मैं पीडीसी रोहिणी कंसल रही हूँ और हमारी प्रेसिडेंट प्रीति महेश्वरी जी ने मुझे इसका बहुत बड़ा गोल्डन चांस दिया है करने का। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि 8 साल के बाद मैंने कोई प्रोग्राम किया है, क्योंकि पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था तो मैंने कोई भी प्रोग्राम किया ही नहीं है। किस तरह से आप सेलिब्रेट किया सभी ने? और हम लोगों का जो मेन प्रोग्राम था यहाँ पे, देवी जी के 9 रूप में देवियाँ आई थी, जो मेंबर्स रेडी होके आए थे, और इसके साथ ही रामायण के हमारे प्रसंग थे, तो उसमें मंदोदरी और तुलसीदास मेन कैरेक्टर में थे, और इसी के साथ ही हमने राम सीता उनका जो है स्वयंवर यहाँ पे रचाया। इसका कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि आज हमारी रोहिणी भाभी ने इसे पूरा कन्वीन करा और उसने बहुत अच्छे से कराया सारा प्रोग्राम, सब लोगों ने बहुत इंजॉय करा। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बस दीपावली का त्यौहार जैसे दीपों का त्यौहार है, सभी हंसी खुशी मनाएं, इसी तरह से इंजॉय करें, अपनी लाइफ इंजॉय करें, जैसे खुशी का त्यौहार है उसे खूब इंजॉय करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।